Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Simran and today I'm gonna tell you some tips and tricks to clear your cabin crew interview round. So if you want to know some tips जिससे आप फटाफट से select हो जाएंगे, तो watch the video till end. Okay, so I have made some notes जो कि मैंने लिखा हुआ है कि क्या-क्या tips होती है जो मैंने follow करी थी. So the tip number one and the most important tip is that you have to reach before time. आपको जो time दिया हुआ है उसके पहले आपको पहुंचना होता है. पता है क्यों? क्योंकि आप जितना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा ना, जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो तब आप भी फ्रेश रहोगे, आपका इंटरव्यू भी फ्रेश रहेगा, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड. ठीक है, तो ऑलवेज 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 रीच बिफोर टाइम, वेदर इट्स कैबिन क्रू इंटरव्यू या दूसरा कोई भी इंटरव्यू हो. आप जितने फ्रेश रहोगे, इंटरव्यू लेने वाला जितना फ्रेश रहेगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी बोर हो जाते हैं सेम आंसर सुन के. अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो उसके कुछ गिने चुने ही आंसर्स होते हैं. आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई लाइक टू यू नो meet with new people, आई एम अ पीपल्स पर्सन एंड ऑल. सो वो लोग भी ना आंसर सुन के बहुत बोर हो जाते हैं. तो हमेशा टाइम के पहले पहुंचना है. ठीक है, बहुत चीज़ आना टाइम के पहले. टिप नंबर टू इज़ आपका रेज्यूमे शॉर्ट होना चाहिए. उसको हमें 3-4 पेजेस का नहीं बनाना है. हमें अपने बारे में पूरा नहीं डिटेल देनी है कि हम क्या करते हैं, क्या करके आए हैं. नहीं, योर रेज्यूमे शुड बी ऑफ मैक्सिमम 2 पेजेस, बट यू नो ट्राई टू मेक इट ऑफ 1 पेज, क्योंकि ना वो लोग नहीं पढ़ेंगे आपका रेज्यूमे पूरा. वो लोग फर्स्ट पेज तक ही देखेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकंड पेज पे चले जाएंगे. अगर पॉसिबल है तो 1 पेज का ही बना के जाइए. उसमें सिर्फ अपने बारे में मेन पॉइंट्स लिखिए. एंड गाइस, जो भी आप अपने रेज्यूमे पे लिखोगे, आपको उसकी डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. What I mean to say is that resume is like your question paper. Okay, so for example, if you're writing in your strengths that you're very punctual, and I'm an interviewer, I saw that you have written punctual, so I may tell you ki okay, so give me an example when you were punctual, or you know, just explain this point that how you are punctual. So you have to, you know, go through your resume very well. You should know all the answers. जो भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है उधर से, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो अपने रेज्यूमे को अपना क्वेश्चन पेपर समझ के जाना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. सो नाउ द टिप नंबर 3 इज़ आपका ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए. ठीक है, कपड़े जो है अच्छे से आयरन करके जाना. बन अगर गर्ल्स हैं तो बन बना के जाएं, अगर बॉयज़ हैं तो अपना यू नो बियर्ड वगैरह अच्छे से ट्रिम करके जाओ, और सूट वूट अच्छा पहन के जाओ. शूज़ पॉलिश होने चाहिए. फॉर बॉयज़ शूज़ का कलर और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए. फॉर गर्ल्स आपको शर्ट पहननी है, स्कर्ट पहननी है विद ब्लेज़र इफ़ पॉसिबल, एंड यू शुड वेयर हील्स. ठीक है, अच्छे से मेकअप करके जाना है. ऐसे नहीं है पार्लर पे जाके बहुत ज़्यादा मेकअप करा के आ रहा, नहीं, थोड़ा बहुत मेकअप करके जाना है. थोड़ा सा आई मेकअप, अच्छी सी लिपस्टिक, थोड़ा सा फाउंडेशन, मस्कारा, दैट्स इनफ. ठीक है, बहुत अच्छे से जाना है. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर स्माइल. ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड वेयर ऑल द टाइम थ्रू आउट द इंटरव्यू, स्माइल. सो द टिप नंबर 4 इज शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स. ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसको बहुत लंबा नहीं खींचना है, उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर आस्किंग यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ. अपने फैमिली के बारे में बात मत करना. तो इन दिस क्वेश्चन वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टेल अबाउट योर नेम, your educational qualification, if you have any past work experience, your strengths, your weakness, that's it, and you have to end the answer. उससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और वो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं ताकि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर पाए, और उनको आपके बारे में नहीं जानना है. ठीक है, so make sure your all the answers are short and crisp and less than 40 seconds. Tip number 5 is your communication skills. सिर्फ हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है से काम नहीं चलेगा. दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, इतने अच्छे से एटलीस्ट कि कोई पैसेंजर अगर आपसे बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, सो यू कैन गिव हिम आंसर, प्रॉपर आंसर. आपको फिलर्स नहीं आने चाहिए बार बार, जैसे जो हम बीच बीच में करते हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वर्बल विच इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। उसके अलावा हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है जो कि होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, स्माइल, सब कुछ एक आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो आपको ना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, टिप है, मिरर में प्रैक्टिस करो आंसर्स देने की, या अपने वीडियो रिकॉर्ड करो आंसर देते वक्त कि आप कैसे बोल रहे हो, आप क्या मतलब बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर का यूज़ तो नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेड टिल्ट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यू नो यू कैन यूज़ मिरर और योर कैमरा। से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्ट्रेट बैठना है, आपको ऐसे होके नहीं बैठना है उनके सामने, ठीक है। मतलब जो आपका पीठ होता है वो सीधा होना चाहिए, स्लाउच नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आपको आई कांटेक्ट करके उनसे बात करनी है, जो भी जवाब दोगे स्माइल और आई कांटेक्ट। मैं पूरे वीडियो में बोलती आ रही हूँ, स्माइल तो करते रहनी है और आई कांटेक्ट भी करके रखना है उनसे। जिस चीज़ से नहीं पता है, आई कांटेक्ट अगर आप करके और स्माइल करके अगर आप बात करते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। नहीं भी कर रहे हो और आई कांटेक्ट करोगे तो जो सामने इंटरव्यू ले रहा होगा उसको लगेगा कि हाँ यू आर कॉन्फिडेंट, ओके। ये 5 तो हो गए मेन पॉइंट्स जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कैबिन क्रू का इंटरव्यू हो चाहे किसी और चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती है जो आप में होनी चाहिए वो होती है कॉन्फिडेंस। गाइस, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, आप कितनी भी हिंदी अच्छी बोल रहे हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहे हो तो आप नहीं सिलेक्ट होगे। सो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बहुत अच्छे से इंटरव्यू दो, बहुत अच्छे से स्माइल के साथ जाओ, स्माइल के साथ सेलेक्ट होके वापस आओ। दूसरी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं करने हैं। अपने आप को एक्सप्लेन करते टाइम या कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपका जो हाथ होता है ना वो आपके पैर के ऊपर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं कैसे बताऊँ यार समझ जाओ, जैसे मेरा पैर है और मेरा हाथ ऐसे है। उसके आप कभी कभी इन द सेंस आप थोड़ा हैंड मूवमेंट कर सकते हो, बट अगर आपको आदत है, किसी को आदत होती है ऐसे ऐसे करके यार एक्सप्लेन करने की हाथ के साथ में, तो वो नहीं करना है आपको। आपको अपना हाथ अपने पैर के ऊपर रखना है। टेल यू ऑल दिस पॉइंट्स अगेन इन ब्रीफ कंक्लूजन जो स्कूल में हमें दिया जाता था। शॉर्ट रिज्यूम में होना चाहिए, स्लाउच नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होना है, आई कांटेक्ट करना है, बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, पूरे टाइम स्माइल। स्माइल इज़ द की टू सक्सेस यार। तो स्माइल भी एक तरीके का मेकअप है जो आपको कैरी करके जाना है। जिससे भी आप बात कर रहे हो, यू नो, ट्राई टू यूज़ वर्ड्स लाइक आप इफ़ यू आर टॉकिंग इन हिंदी। डोंट से तू एंड तुम, इट डजंट लुक प्रोफेशनल एंड इट इज़ नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। छोटे से आंसर बोलने हैं, ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचना है, किसी को नहीं जानना है हमारी डिटेल्स। एंड गो थ्रू योर रिज्यूमे लाइक योर क्वेश्चन पेपर एज आई सेड बिफोर। किसी को नहीं पता है, आप अगर अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो या आप अगर अपने आंसर में बोल रहे हो आई लाइक टू ट्रैवल, nobody knows whether you travelled before or not, but you should know how to cook a story. You have to cook story and you have to tell him and he should believe that you are saying the truth, okay? तो बस यही कला है अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्ट्रेट बैठना है, स्लाउच होके नहीं बैठना है ऐसे, ठीक है। बुढ़े नहीं हुए हो अभी तक। और वॉक एंड सिट ग्रेसफुली गाइस। आई मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट करो, हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा मत करो, अपनी ग्रूमिंग अच्छी रख के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, कॉन्फिडेंट होकर जाओ, और आई एम टेलिंग यू सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। गाइज दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर interview round. I hope this was useful to you. If you enjoyed the video, please subscribe to my channel, like this video, share this video with people who want to become cabin crew. Okay, bye.